हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी, जो बच्चों तथा बड़ों को काफ़ी पसंद आता है। इसे मैं ढेर सारी सब्जियों से बनाने वाली हूँ, जिससे यह नाश्ता टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बनेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हूँ, आलू, गोभी, प्याज, गाजर और मटर। अब यहीं पर मैं ली हूँ एक कटोरी दलिया। ये जो दलिया होता है, यह गेहूँ के छोटे छोटे दाने होते हैं। इसे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाया जाता है। सबसे पहले हम एक थाली में डालकर दलिया को अच्छे से इस तरह से बीन लेंगे, ताकि कोई भी मिट्टी या कंकड़ ना हो। दलिया को बिनने के बाद इसे हम कढ़ाई में डालकर हल्का सा भून लेंगे। इससे क्या हुआ कि हमारा दलिया में सुनाफन आएगा और दलिया जो हमारा टेस्टी बनेगा। इसे हमें हल्का भून लेना है। दलिया हमारा भून चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसे एक प्लेट में निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे। दलिया हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसे हम 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। आप चाहें तो इसे बिना धोए भी बना सकते हैं। गैस पर हमने कुकर रख दिया है, अब कुकर में हम डालेंगे 2 चम्मच घी। अब हम घी को मेल्ट होने देंगे। घी हमारा मेल्ट हो चुका है, अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। अब यहीं पर डालेंगे 2 पिंच हींग। अब यहीं पर डालेंगे 1 हरी मिर्च। अब यहीं पर डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज को हम थोड़ी देर भून लेंगे। प्याज हमारे थोड़े से भून चुके हैं, अब यहीं पर गोभी डालेंगे। अब यहीं पर बारीक काटा हुआ आलू भी डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। आप यहाँ पर अपने मनपसंद की सब्जियाँ डाल सकते हैं। सब्जी हमारी थोड़ी भून चुकी है, अब यहीं पर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे हमने अदरक लहसुन को कूट कर डाला है। अब अदरक और लहसुन को थोड़ी देर हम भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब यहीं पर गाजर को डालेंगे। अब यहीं पर मटर डालेंगे। अब सभी को अच्छे से मिक्स करके इसे हमें भून लेना है थोड़ी देर। सब्जियां हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है, अब इसमें हम मसाले मिक्स करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब मसाले जले नहीं, थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब सभी मसालों को सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहीं पर डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। अब यहीं पर डालेंगे थोड़ा सा नमक, ताकि टमाटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहीं पर दलिया को डालेंगे। इसे हमने 3 से 4 बार अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब हम दलिया को सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पर हमने दलिया को सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम लो फ्लेम पर ढककर 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। दलिया हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, ये देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी। जिस कटोरी से हमने दलिया लिया था उसी कटोरी के माप से हम पानी डालेंगे। यहाँ पर मैं 1 कटोरी दलिया ली थी तो यहाँ पर 5 कटोरी में पानी डालूंगी। यहाँ पर मैं टोटल 5 कटोरी पानी डाली हूँ क्योंकि दलिया जो है पानी सोखता है और दलिया गीला गीला ही अच्छा लगता है। अब यहीं पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक हमने पहले डाला था इसलिए थोड़ा कम ही डालेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दलिया में। अब कुकर का ढक्कन बंद कर हम 3 सीटी लगा लेंगे। 1 सीटी मीडियम फ्लेम पर, 2 सीटी लो फ्लेम पर और कुकर का सीटी स्वयं खुलने देंगे। कुकर की सीटी हमारी खुल चुकी है। अब हम दलिया को चेक कर ले रहे हैं। दलिया हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए पानी जो हमने डाला था एकदम परफेक्ट है। दलिया हमारा गीला गीला है, ऐसा ही हमें दलिया चाहिए। यह ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब यहीं पर डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया। अब इसे हम दलिया में मिक्स कर देंगे। दलिया हमारा बनकर तैयार है। यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। दलिया पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम, फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसे बच्चे तथा बड़े सभी को खाना चाहिए। दलिया के सेवन से आप दिन भर खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इतना ही नहीं, यह पाचन को बेहतर और वजन को कम करता है। तो आप भी एक बार इसे ट्राई अवश्य करें। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस रेसिपी का आनंद उठा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप देखते रहे मीना की रसोई।